नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया और मैं हूं आपके साथ मोंटी राठौर। डीएनएन इंडिया के खास कार्यक्रम बात सियासी किस्से की, यानी हर वह किस्सा जो सियासत से जुड़ा हो, सियासी लोगों से जुड़ा हो और जो भविष्य की सियासी संभावनाओं से जुड़ा हो। आज बात करेंगे जयपुर हेरिटेज नगर निगम महापौर मुनेश गुजर के निलंबन को लेकर। जयपुर हेरिटेज निगम की महापौर मुनेश गुजर को सोमवार को सरकार ने निलंबित कर दिया। उन्होंने सरकार के नोटिस का समय पर जवाब पेश नहीं किया था। इसके बाद सरकार ने इस कानूनी विशेषज्ञों से राय लेकर महापौर मुनेश गुजर का निलंबन आदेश जारी कर दिया। गौरतलब है कि सरकार ने सबसे पहले 11 सितंबर को महापौर मुनेश गुजर को नोटिस जारी किया था। तब यह नोटिस जांच अधिकारी की तरफ से जारी किया गया था। इसका 3 दिवस के भीतर महापौर मुनेश ने अपने एडवोकेट के जरिए जवाब भिजवाया था। इसके बाद स्वायत्त शासन विभाग ने 18 सितंबर को दूसरा नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा था, लेकिन 21 सितंबर को रात तक कोई जवाब नहीं दिया गया। यह तीसरा मौका है जब महापौर मुनेश गुजर को निलंबित किया गया है। इससे पहले गहलोत सरकार ने मुनेश गुजर को 5 अगस्त 2023 को और फिर 26 सितंबर 2023 को निलंबित किया था। हालांकि दोनों बार महापौर मुनेश ने सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जहां से उनको राहत मिली और वे वापस महापौर की कुर्सी पर काबिज हुई। वहीं रिश्वत लेने के मामले में हेरिटेज महापौर मुनेश गुजर पर एसीबी में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका पर 2 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। महापौर मुनेश की तरफ से 21 सितंबर को कोर्ट में बहस के लिए समय मांगा गया था। महापौर मुनेश गुजर के वकील दीपक चौहान ने हाईकोर्ट में कहा था कि इस मामले में एसीबी ने चालान पेश कर दिया है, हमने इससे संबंधित दस्तावेज हाईकोर्ट में पेश किए हैं, ऐसे में हमें बहस के लिए समय दिया जाए। इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। बता दें कि एसीबी ने 9 सितंबर को मुनेश गुजर के खिलाफ चालान पेश किया था। उम्मीद है यह सीरीज आप पसंद करेंगे, बात सियासी किस्से की। इस एपिसोड में हमने आपको बताया जयपुर हेरिटेज नगर निगम महापौर मुनेश गुजर निलंबन के बारे में। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी और सियासी इतिहास, सियासी शख्सियत या फिर सियासी संभावनाओं के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।